आई एम लिव इन स्वीडन. और यहाँ पे क्या आपको कुछ खास दिखने को लगा? ये जो डैम है ना, ये बहुत 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 ही खूबसूरत है. फैमिली के साथ हम लोग एंजॉय. आप यहाँ पे क्या फर्स्ट टाइम आए हुए हैं? नहीं, हम लोग इस बार से कई बार आ रहे हैं. तो क्या चेंजिंग यहाँ पे देखा आपको? यहाँ चेंजिंग सेम है, वैसा ही फर्स्ट साल जैसा. यहाँ का वातावरण तो बहुत ही शुद्ध देखने के लिए मिल रहा है. इतने हवाएं और ये तो एक पिकनिक का स्पॉट. हम हजारीबाग जिला के कुनार डैम में मौजूद हैं और आज 1 जनवरी है और काफ़ी दूर दूर से सैलानी यहाँ पे पिकनिक मनाने के लिए आ रहे हैं और काफ़ी यहाँ पे भीड़ है. काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पे आ रहे हैं और ये अभी कुनार डैम का काफ़ी नज़ारा देख सकते हैं कि ये जो नज़ारा है सैलानी को खूब भाता है और काफ़ी ज़्यादा सुंदरता है कुनार डैम. मैडम सबसे पहले अपना नाम बताएं. क्या मेरा नाम स्नेहा द्विवेदी है. कहाँ से आए हुए आप? मैं पहले झारखंड में रहती थी, नाउ आई एम लिव इन स्वीडन. और यहाँ पे क्या आपको कुछ खास दिखने को लगा? ये जो डैम है ना, ये बहुत 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 ही खूबसूरत है. एक्चुअली स्वीडन में भी इस टाइप के लेक हैं, बट ये जो झारखंड का लेक है ये कुछ ज़्यादा ही, मतलब एक होता है ना झारखंड की सुंदरता, तो ये झारखंड की सुंदरता है. तो ये डैम एक्चुअली बचपन से मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं अभी 4 ईयर्स के बाद यहाँ झारखंड आई हूँ, तो मेरी बचपन की जितनी यादें हैं वो ताज़ा हो गई है और हम लोग यहाँ बहुत 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 ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं. 4 ईयर्स में आपको यहाँ पे क्या बदलाव दिखा? बदलाव तो दिखा, ये अभी जैसे ये सारे बने हुए हैं ये उस टाइम उतना नहीं था, थोड़ा लाइक वो कहते हैं ना सुंदरीकरण. तो वो सुंदरीकरण या तो सुंदरीकरण ये 4 ईयर्स में बहुत ज्यादा हुआ है एंड क्लीनिंग भी बहुत ज्यादा. टॉयलेट का कोई व्यवस्था होना चाहिए, वो नहीं है. बिल्कुल होना चाहिए, वो होना चाहिए, वो लेडीज प्रॉब्लम हो रहा था. या लेकिन हाँ, 4 ईयर्स में बहुत ज्यादा चेंजेस आए हैं तो ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. थैंक यू मैम. जी हम लोग हजारीबाग से आ. सबसे पहले अपना नाम बताएं. हमारा नाम अजीत गुप्ता हुआ. ये हमारी पूरी फैमिली है, हमारी सिस्टर है, हमारी वाइफ है और सारे बच्चे लोग हैं. तो यहाँ प्राय हम लोग आया क्या करते हैं, पिछले वर्ष भी आए थे. तो काफ़ी एडवेंचरस प्लेस है ये, पिकनिक स्पॉट है. बहुत अच्छा लगा यहाँ आने के बाद. तो यहाँ पे बोटिंग का सुविधा है अभी, तो आपने यहाँ पे बोटिंग की है अपने फैमिली के साथ या नहीं? फिलहाल तो अभी बोटिंग दिखाई नहीं दिया, देखिए अगर आता है तो फिर बोटिंग भी कर लेंगे. चलिए आप अपना नाम बताएं. वीरेंद्र कुमार मेरा नाम. आप क्या खास आपको यहाँ पे दिखा, क्या आपको ऐसा खास नज़र आया? बहुत अच्छा लगा हम लोग का. यहाँ का वातावरण कैसा लगा? मैडम आप बताएं, मैडम इधर आ जाइए, इधर आ जाइए. आप बताएं मैडम. मेरा नाम बेबी देवी है. आप कहाँ से आए हुए हैं? हम चरी से आए हुए हैं. क्या खास आपको यहाँ पे लगा? यहाँ हम लोग को अच्छा लगता है, डैम अच्छा लगता है देखने में, घूमने में काफी अच्छा लगता है, वातावरण यहाँ का बहुत अच्छा लगता है. ऐसा ही फैमिली के साथ हम लोग एंजॉय. आप यहाँ पे क्या फर्स्ट टाइम आए हुए हैं? नहीं, हम लोग इस बार से कई बार आए हैं. तो क्या चेंजिंग यहाँ पे देखा? यहाँ चेंजिंग सेम है, वैसा ही फर्स्ट साल जैसा. अच्छा लगता है वातावरण यहाँ का. सेफ्टी के नजर नजरिए देखेंगे तो थोड़ा इधर सेफ्टी डालना होगा. इधर सेफ्टी अच्छे तरीके से कर दिया जाए ज्यादा अच्छा रहेगा. बच्चों के साथ आते हैं, बच्चा डर है उसमें. ये रिस्क फैक्टर यहाँ दिख रहा है. सब ठीक है, अच्छा है, अच्छा लगता है. चलिए धन्यवाद. हमारा नाम रवि हुआ. कहाँ से आए हुए? हम लोग गिरिडीह से आए हुए. कितने सालों के बाद यहाँ पे आए हुए? क्या आप यहाँ पे फर्स्ट टाइम आए हुए? नहीं, आए तो पिछले बार भी थे लेकिन इस बार आए दोस्त लोग को लेकर के. अच्छा जगह है घुमाने के लिए, चलो नजदीक में देखते हैं जाके. मेरा नाम संजय कुमार है. यहाँ का वातावरण तो बहुत ही शुद्ध देखने के लिए मिल रहा है. इतने हवाएं और ये तो एक पिकनिक का स्पॉट जो देखने के लिए मतलब कुछ अलग ही नज़ारा देखने को मिल रहा है और यहाँ बहुत ही खुशी का माहौल बना हुआ है. एकदम खुल के हम लोग सेल्फी ले रहे हैं. मेरा नाम मंटू हुआ. कहाँ से आए हुआ? हम लोग आए गिरिडीह से. क्या आपको यहाँ पे खास दिखा, क्या आपको यहाँ पे खास लग रहा है? यहाँ का जो व्यू है बहुत बढ़िया है. हम लोग सोचे थे कि अभी तो आए नहीं थे यहाँ, पहली बार आए हुए हम. अब बोटिंग उटिंग करने के लिए जा रहे हैं. तो आप यहाँ पे बोटिंग किए या नहीं? नहीं, जा रहे बोटिंग करने के लिए. अभी हम कुनार डैम के दूसरे छोर पे मौजूद है. अभी हम नौका बिहार में हैं और जिस तरह देख रहे हैं कि सैलानी दूर दूर से यहाँ पे पिकनिक
मनाने के लिए आए हुए हैं। और मेरे पीछे देख सकते हैं कि कुछ लोग बोटिंग भी कर रहे हैं, और अभी मेरे साथ एक व्यक्ति जुड़े हुए हैं, अभी उनसे हम बात करेंगे। क्या नाम हो सर आपका? तापेश्वर महतो। आप यहाँ पे क्या करते हैं? हम यहाँ पे बोट का मतलब संचालन करते हैं, और बाकी फिश फार्मिंग है उधर आगे जो दिख रहा है, हाँ तो फिश फार्मिंग है, तो उधर भी हम लोग का बिजनेस चल रहा है और ये भी चल रहा है। तो यहाँ पे टोटल कितने बोटें हैं? टोटल हम लोग के पास अभी 3 बोट है, 1 स्पीड बोट है और 2 डीजल वाला है। तो यहाँ पे मतलब प्रत्येक वर्ष यहाँ पे बोट चलता है? इस बार से ही मतलब 2 नया बोट आया हुआ है, 1 स्पीड बोट और एक बड़ा वाला बोट इस बार आया हुआ, पहले 1 बोट भी था। यहाँ पे कितने दूर दूर से लोग आ रहे हैं? बहुत दूर से, बोकारो, धनबाद, देवघर, बहुत दूर दूर से आते हैं, बिहार से भी लोग आते हैं, बंगाल से आते हैं जी। तो ये थे हमारे साथ तापेश्वर जी मौजूद थे, तो यहाँ मैंने सब लोग बोले कि इस डैम के बारे में कि बहुत अच्छा डैम है सब कुछ, तो हम लोग आए घूमने के लिए, सारे परिवार हम लोग आए हैं, सब एंजॉय कर रहे हैं होली, और बहुत अच्छा लगा, कम से कम यहाँ शांति है और जय की तरह मैंने हुल्लड़पंती नहीं है, तो अच्छा लगा, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ सर यहाँ वातावरण कैसा लग रहा है सर? यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है, बहुत। मैडम आप कुछ बात दो बात बोले। हाँ यहाँ बहुत है, मतलब ये पॉल्यूशन भी नहीं है, नीट एंड क्लीन है, और हवा ये सब जो चल रहा है बहुत अच्छा लग रहा है हम लोग का, मतलब क्या फ्रेश एयर मिल रहा है हम लोग को, फ्रेश एयर मिल रहा है, और सबसे पहला बात है कि नीट एंड क्लीन है, हमको बहुत अच्छा लग रहा है, और बहुत सारा फॉरेस्ट वॉरेस्ट भी है, मतलब अच्छा लग रहा है, ग्रीन ग्रीन देख करके अब बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर बन रहा है। ओके मैम, थैंक यू। तो जैसे कि देख सकते हैं कि हमारे और यहाँ पे मतलब अपने फैमिली लोग के साथ में आए, खूब एंजॉय कर रहे हैं। फिलहाल अभी हम यहाँ बिहार से भी हैं, लोग झारखंड से भी हैं, और कुछ झारखंड के ही बाइक जो है सब कतार से लगा रहे हैं, और जैसे महिलाओं को लेकर यदि एक चिंता बनी हुई है, जैसे का भी गाइडलाइन आया था, और ये 1954 में बना हुआ है, बन के कंप्लीट हुआ, और ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये इसे उद्घाटन किया गया था, और अभी हम यहाँ पे कुछ लोग हैं उनसे अभी हम बात करेंगे। क्या नाम हुआ मैडम आपका? हमको नाम है जमनी देवी। कहाँ से आए हुए आप? टाटीझरिया से। क्या आपको यहाँ पे खास दिखा? आपको बहुत अच्छा देखने लगा। कितने सालों के बाद आ रहे हैं यहाँ पे? बहुत बार आए हैं इधर, जो है मेरा बहन घर। क्या नाम हुआ मैडम आपका? उर्मिला देवी नाम। कहाँ से आए हुए? हम पलामू जिला से आए। जी पलामू जिला से आए हुए। क्या नाम हुआ आपका? पूजा कुमारी जी। आप कहाँ से आए हुए? औरंगाबाद जिला। औरंगाबाद से। तो मैडम आपको यहाँ पे क्या खास दिखा आपको? मैं तो पहली बार ऐसा देख रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब आसमान और डैम सब लग रहा है, सब दिख रहा है, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। यहाँ का वातावरण कैसा लगा सबसे पहले आप ये बताएं? बहुत अच्छा लगा, मतलब। तो क्या आप अपने फैमिली के साथ आए हुए हैं? हाँ हाँ जी। जैसे कि देख सकते हैं कि ये अभी अपने फैमिली के साथ आए हुए हैं, और यहाँ का वातावरण काफ़ी अच्छा है। धन्यवाद।